यदि मतलब ऐसे क्या होता है कि आजकल 98% लोग, मतलब हर किसी को किसी ना किसी से एक टाइम में प्यार होता है, लव होता है, लेकिन इंडिया का जो सक्सेस रेट है, यदि कोई मतलब जिससे प्यार करता है उसी से शादी होता है, ये रेट लगभग 3% के लमसम में है। बिल्कुल और उसमें भी जाके सक्सेस रेट यदि बोलेगा कि वो जाके शादी होने के बाद वो बहुत ज़्यादा दिन चलता है, वो उससे भी घट जाता है, वो लगभग 1.9 के समथिंग में आ जाता है। तो नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं नौगछिया के एक नवयुवा। नौगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर का एक लड़का, 21 साल का लड़का, इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। तो आइए मुलाकात करते हैं इस युवा से और जानते हैं कि लेखनी के क्षेत्र में इनकी क्या है सहभागिता और क्यों है चर्चा में। स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इस खास मुलाकात लाइव प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वरुण। हरिओम जी, ये 21 साल का लड़का ये लेखनी में किस तरह आ गया, इसके बारे में पहले बताएं। लेखनी मेरा हॉबी, एक तरह से हॉबी है। मैं न्यूज़पेपर के लिए भी लिखता हूँ, द स्टेट्समैन में मेरी बहुत सारी आर्टिकल छपी है और मतलब इंटरनेशनल जर्नल में भी मेरा कुछ पब्लिश हुआ है। डाइवोर्स पे मतलब कुछ दिन रिसेंटली मेरा डाइवोर्स के ऊपर एक जर्नल पब्लिश हुआ है। मतलब ये मेरा हॉबी है लीगल इशूज पे लिखना, लेकिन इस बार मैंने इससे हटके ट्राई किया है। एक हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था उसको लेके, सोसाइटी को देखते हुए उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर लिखने का प्रयास किए हैं। अब बाकी ये बुक पब्लिश हो गई है। क्या है इस बुक के बारे में, इस बुक को दिखाएं हमारे पाठकों को और आपके साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बुक को दिखाएं और बताएं इस बुक में क्या है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का बाजार जो है वो गर्म है लेखनी के क्षेत्र में। इस बुक का नाम है डेस्टिनी लव फाइंड्स अ वे। इसकी जो ये जो बुक है ये खुद में मतलब लव फाइंड्स अ वे, मतलब ये खुद में एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। लेकिन इसमें जैसे कि हम इस पूरे बुक को जो हम लिखे हैं, इसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में सोसाइटी को देखते हुए ही आया है। जैसे मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि आज मतलब ऐसा युवा जो कि जिसका एज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो शादी नहीं कर पाते हैं, उसके चाहे 1000 रीज़न हो सकते हैं, और उसको किस तरह से सोसाइटी में टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब लोगों से उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता, वो लोगों से नज़र नहीं मिला पाते हैं, या मिलाते भी हैं तो वो खुद को बिल्डअप नहीं कर पाते उस हिसाब से। तो उसी पे बेस्ड है कि वो उसके बाद का उसका लाइफ कैसा होगा। जनरली क्या होता है कि जैसे कोई भी लव स्टोरी होती है तो वो इस जगह पे आके ख़त्म हो जाती है, तो ये स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है कि उसके बाद का फेज क्या होता है सोसाइटी में। यदि उसके बाद मतलब यदि वहाँ पे वो डंप कर दे तो उसका पूरा आगे का लाइफ ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्चुअल में स्टोरी जो है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक वैसे ही युवा के बारे में है जो एक आगे चल के एक बिजनेस टाइकून बनता है। मतलब हर उसका जो पास्ट है उसको वो भूलते हुए, सब कुछ सोसाइटी में फेस करते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ता है और एक बिजनेस टाइकून बन के मतलब समाज के सामने खुद को पेश करता है और खुद को एक्सप्लोर करता है। जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे क्षेत्र के लोग अंग्रेजी बहुत कम प्रति मतलब बहुत कम ही प्रतिशत लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते और समझते हैं और या फिर अंग्रेजी अखबार या मैगजीन पढ़ते हैं, बहुत कम इनकी संख्या है, ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं। तो आप हिंदी में ज़रा समझाएं कि आखिर इस पुस्तक में ऐसी क्या कहानी है जो लोगों को झकझोर दे। पुस्तक में जो कहानी है यदि इसका हम बता दें तो ये एक्सपॉयलर हो जाएगा, लेकिन हम एक शॉर्ट में यदि बताना चाहें तो एक ऐसे युवा के बारे में है जो कि खुद को डंप ना करके वो कैसे खुद को एक्सप्लोर कर सकता है उसके बारे में है, वो उसको इसके लिए मोटिवेट करेगा। बाकी इसमें आप देख पाएंगे कि मतलब फादर और सन का जो रिलेशन होता है, बाप बेटे का जो रिलेशन होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें दर्शाने का कोशिश किया है। बाकी ये इसको एक लव स्टोरी टच दिया गया है, एंडिंग लव स्टोरी टच जैसा ही है। यहाँ वाले लोग हैं उन्हें किस तरह से इस कहानी का आनंद लेना होगा, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, मतलब जिसका थोड़ा भी इंग्लिश अच्छा है, इसको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखा हुआ है। नॉर्मल इंसान भी मतलब जो 10th या 12th तक CBSE बोर्ड से किया या फिर जिसका थोड़ा भी इंग्लिश अच्छा है तो वो इस स्टोरी को अच्छे से इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब मतलब पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपने मतलब प्राइमरी एजुकेशन कहाँ की, अपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त? मेरी प्राइमरी एजुकेशन नौगछिया के ही बाल भारती स्कूल से हुई है, फिर उसके बाद मैंने 12th टेक्नोमिशन से किया हुआ है भागलपुर से, फिर उसके बाद हम अभी लॉ परस्यू कर रहे हैं, मेरा BBA LLB चल रहा है, लास्ट ईयर है।
कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से BBA LLB कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मतलब इस किताब को लिखना यानी लेखनी के दुनिया में आपका आना कैसे हुआ, कैसे आप इस मतलब राइटिंग के दुनिया में, लेखनी के दुनिया में आए? एक्चुअल में हमारा पैसन होता है लिखना, जैसे मेरा की पैसन था लिखना, तो कभी कभी होता है कि हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, और इस लॉकडाउन में एक्चुअल में हमको टाइम मिला खुद को, मतलब टाइम देने का। तो उस टाइम पे ऐसे भी घर पे बैठे हुए थे तो लिखना स्टार्ट किए, और फिर इसको मैंने एक पूरा प्रारूप दिया, इसको पूरा कंप्लीट किया, फिर इसको पब्लिश करवाया। लॉकडाउन में हमको टाइम मिला तो हम इस पे टाइम दिए अपना। ये लॉकडाउन में जो घर में रहे हैं ये उनके दिमाग की उपज है, और इसी में आपके इलाके का लड़का का यह किताब या पुस्तक जो है वो नेशनल लेवल पर है। अच्छा, एक चीज और बताइए, कहा जाता है कि एक अंधा प्यार माँ से शुरुआत होता है, क्योंकि माँ उस समय से बच्चे से प्यार करती है जब उसे देखी भी नहीं होती है, तो ये लव ब्लाइंड का शब्द आपके भी बुक में आया, इसके बारे में बताएं। एक मतलब क्या प्रेम स्नेह क्या है, आप किस तरह देखते हैं कि किताब में आपने प्रेम को किस तरह से देखा है, लव को? प्रेम स्नेह हर एक को, मतलब हम किसी से यदि जुड़े हुए हैं तो वो एक प्रेम के जरिए ही हम उससे जुड़े हुए होते हैं, वो चाहे माँ बाप हो, बाप बेटा हो या कोई भी हो, तो एक जुड़ाव जो होता है वही प्रेम है, एक जुड़ाव जो होता है वही प्रेम है, उसी को लेके हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट हो जाना कि जिससे कि मतलब कुछ भी ऐसा परिस्थिति आए कि हम उसको छोड़ नहीं पाए, हम उसको तोड़ नहीं पाए, वही प्यार है। किताब लिखने की, बुक लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली? बुक लिखने की प्रेरणा मुझे जैसे कि लॉकडाउन से पहले भी मैंने बहुत सारा ऐसा स्टोरीज देखा हुआ है कि जिसमें कि मतलब हर एक स्टोरी में क्या होता है कि एक जगह जाके इंड हो जाती है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा जो स्टोरी है स्टार्ट ही वहाँ से हो रहा है जहाँ से यूजुअली लव स्टोरी इंड होती है, तो उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई दिखाना नहीं चाहता है, तो उसके बाद के स्टोरी को, यही मेरे थिंकिंग में आया कि इसके बाद क्या होता है उसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो उसको मैंने इस फिक्शन स्टोरी में मतलब क्रिएट करने का कोशिश किया है, और शायद अभी तक जैसा मुझे रिव्यू मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग लोगों को ये कॉन्सेप्ट यूनिक लगा है, और वो ऐसे इस लेवल से मतलब इस ढंग से पहले कोई सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा भी एक साइड हो सकता है लव का। अच्छा, एक चीज़ मैं एक सवाल पूछूंगा, अभी आपके उम्र के अधिकतर लोग मे बी बहुत सारे लोग होंगे जो लव रिलेशनशिप में होंगे, या उनका मतलब इस तरह का कोई दौर चल रहा होगा जो बड़े शहर में रहते हैं, खास के लिए ये तो उनके लिए आम बात होती है, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे बुक के? आपके पास, आप जिसके भी साथ हैं जैसे भी हैं, आप खुद की मर्जी से हैं, तो आप मतलब किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं करें। आप यदि मतलब ऐसे क्या होता है कि आजकल 98% लोग, मतलब हर किसी को किसी ना किसी से एक टाइम में प्यार होता है, लव होता है, लेकिन इंडिया का जो सक्सेस रेट है, यदि कोई मतलब जिससे प्यार करता है उसी से शादी होता है, ये रेट लगभग 3% के लमसम में है, और उसमें भी जाके सक्सेस रेट यदि बोलेगा कि वो जाके शादी होने के बाद वो बहुत ज़्यादा दिन चलता है, वो उससे भी घट जाता है, वो लगभग 1.9 के समथिंग में आ जाता है। तो इसको लेके कि आप किसी के प्रेशर में नहीं आए, मतलब आप खुद को एक्सप्लोर करें, उसके साथ साथ में आप प्यार को भी लेकर चले। अभी जो है मतलब पढ़ाई के ही दरमियान जब शुरुआत होता है, जब उम्र का एक शुरुआत होता है, तो अभिभावक जो होते हैं माता पिता, उनका भी एक बहुत बड़ा उम्मीद रहता है, और कहीं ना कहीं इस लव और प्रेम में उनका भी कहीं ना कहीं अरमान भी टूटता है, या वो भी काफ़ी टूटते हैं कि एक बच्चे को लेकर एक सपना देखा था, वो धीरे धीरे पता नहीं क्यों टूटते जा रहा है। ये बुक पूरे मेरे इमेजिनेशन पे बेस्ड है, जैसा कि मैंने बोला ये फिक्शन है, तो इसमें जो मैंने कैरेक्टर को मतलब रखा हुआ है, इसमें मेनली 4 कैरेक्टर हैं जो कि स्टोरी को लीड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने बोला कि ये वहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ से जनरली इंड हो जाती है, तो इसमें फादर और सन का जो रिलेशन है ये उसमें बहुत अच्छे से आपको स्टोरी में बयां किया गया है, तो इसमें माता पिता का भी जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी कैसे मतलब साथ रखते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मतलब सबको खुश रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में ही ये स्टोरी है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे कि माता पिता को डिसअपॉइंट कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इस स्टोरी। जरूर उसी पे बेस्ड मैंने इसको स्टार्ट किया था, जैसे कि लॉकडाउन में बहुत सारा लोगों में मैंने फेज देखा, तो उस पे मतलब देखते हुए कि लोग में जैसे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उसके बाद से जो स्टोरी मतलब जो चल रही होती है रिलेशनशिप वो टूटने वाली हो जाती है, फिर कुछ हो जाता है,
तो उसके बाद इसलिए मैंने देखा कि लोग का मतलब ऐसा क्यों हो जाता है, तो उसके बाद की उसकी लाइफ कैसी हो सकती है उस पर मैंने ये बहुत अच्छा इन्होंने एक इमेजिन किया है, एक इस तरह से एक मतलब सीन तैयार किया है जो आपके बुक के माध्यम से मिल सकता है। और इसके लिए आपको बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो कहानी का ट्विस्ट है, रहस्य है, वो बुक पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो है आपको किताब पढ़ना पड़ेगा तो पता चलेगा कि आखिर कहानी में हुआ क्या था। चलिए अब ये बुक से थोड़ा सा हम लोग बाहर आते हैं। हरिओम जी, बताएं कि मतलब ये जो लेखनी है, जो अभी के बच्चे जो लिखते हैं, जो सेवन्थ एट्थ की स्टूडेंट होती है, आजकल पहले तो शहरी स्कूलों में और बड़े स्कूलों के बच्चे ही थे, लेकिन आजकल हमारे सरकारी स्कूल और गांव ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब हर किसी के अंदर एक प्रतिभा होती है, हर किसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, हर एक कुछ आइडिया होता है, तो उसको लेके अपने खुद पे बिलीव रखिए, आप लिखना स्टार्ट कीजिए, लोगों में उसके लिए जागरूकता जरूर बढ़ेगी, आपका मतलब जो भी काम है, जो भी वर्क है, वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। यहाँ के जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, उन्हें आपको इस वीडियो से संदेश देना चाहेंगे? जो छोटे भाई बहन हैं, मतलब उनके लिए कहना चाहेंगे कि जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, बाकी जो आगे जैसे स्टेज लाइफ का बढ़ते जाता है तो उस हिसाब से लोगों को एक्सपीरियंस आते जाता है, उस हिसाब से आप अपने अपना लेखनी में हाथ आजमा सकते हैं, बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। आपके स्कूलिंग के दौरान कुछ यादगार चीज़ें हैं जो आपने लेखनी या इन सब चीज़ों को सजाए मतलब सजा के रखा है कि अभी आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ है? इंसिडेंट के बारे में मतलब स्टोरी, मतलब मैंने जो स्टोरी रखा हुआ है इसमें एक्चुअली में जैसे कि एक फेज स्टार्ट होता है तो वो उसके बाद का जो पूरा फेज होता है, जैसे कि मान लीजिए उसकी शादी नहीं होती है तो शादी नहीं होने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, इसमें एक मतलब स्कूल लाइफ को भी अच्छे से दर्शाया गया है, उसके चाइल्डहुड को भी दर्शाया गया है कि एक बेटे का बाप के साथ कैसा रिलेशन हो सकता है और कितने अच्छे से मतलब वो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या लगता है कि जो है एक बेटा जो होता है, पुत्र जो होता है, वो माँ बाप में किससे ज़्यादा क्लोज रहता है, जिससे सेक्रेट शेयर कर सकता है या पहले बार बताता है? आपने सही सवाल उठाया है। बिल्कुल, इसमें ऐसा होता है कि जैसे स्टोरी में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, एक स्टेज होता है लाइफ का, जैसे कि बच्चे 9th क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, यहाँ से एक टीनेज स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से क्या होती है कि हम लोग कितना भी चाहे क्लोज हो, कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि लोग छिपाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीज़ वहीं से मतलब टीन एज से ही स्टार्ट हो जाती है। आप अभी के टाइम में मतलब बोलेंगे कि हाँ हम अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंक हैं, हम इनको सब कुछ बोलने का मौका देते हैं, हम भी इनके साथ हर तरह की बात करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा देखना है, हम जैसे सोसाइटी को देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि वो लोग खुद ही मतलब कुछ ना कुछ छिपाना स्टार्ट कर देते हैं, और वही चीज़ जाके आगे थोड़ा मतलब डिस्टेंस क्रिएट करता है, और ये चीज़ आप बुक में अच्छी तरह देख पाएंगे, मतलब इसको भी, ये भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है और एक फेज है, एक चाइल्ड का फेज है, उसको मैंने दिखाया है। हरिओम जी, आपको क्या लगता है, एक बॉय और गर्ल, एक लड़का और लड़की, किससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्लोज रहता है? अब जैसे हमको लगता है कि माँ जो होती है उससे बेटा भी ज़्यादा क्लोज होता है और बेटी भी ज़्यादा क्लोज होती है, पहले से हर माँ से ही करते हैं। अच्छा, और आप इस कहानी के बाद मतलब कहानी पढ़ने के बाद या फिर जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक सपना लेकर जन्म के साथ, जैसे जिस समय जन्म होता है, शायद आपने देखा होगा एक इस पर एक बहुत बड़ी एक काफ़ी मशहूर फिल्म बनी थी 3 इडियट्स, और उसमें एक दिखाया गया था कि जन्म होने के साथ ही माता पिता डिसाइड करते हैं कि उनका बच्चा क्या बनेगा, और कहीं ना कहीं एक ये लव लेसन जब आता है, एक ये माता पिता के साथ शुरुआत होता है, सब कुछ अच्छा रहता है, जब वो टीनेजर्स के साथ होता है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करता है, चाहे वो एम हो या फैमिली का हो या जो भी हो, एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है ज़रूर, ऐसा लोग मानते हैं, और जो आपका वीडियो देख रहे हैं वो भी शायद हमारी बातों से सहमत होंगे। तो आपको क्या लगता है, माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? माता पिता का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है अपने बच्चों से, मतलब वो जैसे मान लीजिए 10th कर रहे हैं तो उसके बाद उस पर बच्चों पे भी प्रेशर होता है कि वो साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तो वो भी अपने गार्जियन से पूछते हैं, लेकिन यहाँ मतलब कोई भी जो रिलेशन होता है वो डबल साइडेड होता है, मतलब बच्चे को भी पिताजी को मतलब माता पिता को समझना चाहिए और माता पिता को भी बच्चों को भी समझना चाहिए, मतलब वो क्या चाहता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि माता पिता का एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा IAS बने, तो अब बच्चे के अंदर में भी होना चाहिए कि हाँ हमको IAS ही बनना है,
इसी तरह ऐसा होता है कि जैसे कि वो जब बच्चा आगे बढ़ता है तो एक फेज स्टार्ट हो जाता है, जैसे कॉलेज लाइफ में गया तो वो कुछ किया। अब जैसे कि होता क्या कि हमारे सोसाइटी में शादी होती है, जैसे तो शादी आजकल अरेंज मैरिज जैसे होती है, तो उसमें बहुत सारे मतलब खामी आ जाती है, बाद में लोग साथ नहीं रह पाते हैं, डाइवोर्स कर लेते हैं। तो एक तरह से होता है कि बच्चों पे थोप दिया जाता है कि नहीं तुमको इसी से शादी करनी है, अरेंज मैरिज खास करके ऐसे ही, मतलब हमारी तरफ या फिर बाकी सोसाइटी में भी हम लोग देखते हैं, इंडिया में ऐसा ही देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को माता पिता को भी समझना चाहिए बच्चों के, वो किसके साथ रह पाएगा, कैसे वो खुशहाल रह पाएगा आगे, और बच्चे को भी ऐसा चाहिए कि वो अपने माता पिता को कैसे खुशहाल रख सके। ऐसा नहीं कि अब जैसे कि ओल्ड एज होम देख रहे हैं वहाँ पर जाके माता पिता को रख देते हैं, ये तो कतई सही नहीं है। एक अंत में अब हम चाहेंगे कि आप अपने लोगों को जो आपके गांव के हैं, आपके शहर के हैं, इस क्षेत्र के हैं, उन्हें कोई संदेशा देना चाहेंगे आप? जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, बस अपने आप पे बिलीव रखिए और अपने अपने अपना जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। तो हरिओम जी ने कहा कि कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं उस पर आप पूर्णतया भरोसा रखें और निरंतर करते रहें, क्योंकि निरंतर करने से जो है आपका कार्य तो होगा ही और साथ ही साथ आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा, ताकि आप किसी भी चीज को जब आप पा लेंगे, आप अगर इनाम पा लेंगे तो आपको लगेगा कि इसके मेहनत का फल कैसा था। तो आज के इस खास मुलाकात में हरिओम के साथ मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़।